चुप खामोश यार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं 15 दिन ससुराल में रह के आ रहा हूँ। और मैं घबराने बस यार, मैं घबराने वाला नहीं। 7.5 साल यहाँ से कैद काट के निकला था। सच के साथ हूँ, हक के साथ हूँ। पिंडी जो है गैरतमंदों का शहर है और नस्ली और असली लोगों का शहर है। हम खड़े हैं सच के साथ, इमरान खान के साथ खड़े हैं। एक मिनट यार। और अब मरियम साहबा कहती हैं कि मेरी ये हुकूमत नहीं है, ये शबाज की हुकूमत मेरी नहीं है। हम भी यही कहते थे कि नून और शीन और है। शबाज कहता है मैं दिन रात काम करता हूँ। ओ भाई, दिन दिन को काम करो, रात के काम छोड़ दो। रात को काम करते हो, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, घी महंगा। 88 वजीरों पे कौम थूकती भी नहीं है। अल्लाह ने चाहा, अब इस मुल्क को अल्लाह के बाद सिर्फ अदलिया बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। हम तैयार हैं। मैं अपना आधा सामान छोड़ रहा हूँ। अगर काल हो के फिर वापस जाना है तो सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। एक मिनट यार। और हमारा फर्ज है, हमने अयूब खान को गिराया, हमने याया खान को गिराया, हमने भुट्टो को गिराया, हमने नवाज शरीफ को गिराया। शहबाज शरीफ तुम बेचते क्या हो? तुम किस माँ की मूली हो? आपने 2 दिन मुझे, 2 रातों को, 2 दिन और 2 रातें मेरे पे भारी थी, लेकिन मैं अल्लाह के नाम पर उन लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे हाइड आउट में रखा। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरा ज़र्फ बड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि माफ़ करना सबसे बड़ी क्वालिटी है। और जिन चोरों डाकुओं ने मेरे घर पे डकैती की, मेरा सामान लूटा, मेरे फोन ले गए और 2 रातें 2 दिन मुझे जगराते में रखा, मैं उनको भी माफ़ करता हूँ। मेरी घड़ियाँ, मेरा सामान और मेरे पैसे मेरे घर वापस पहुँचा दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दूंगा। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सरेआम कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह के बाद सिर्फ इंतखाब बचा सकते हैं। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को, लाहौर को सलाम पेश करता हूँ। वो जजेस जिन्होंने कानून के हक में मेरी जमानत ली, मैं उनको जानता नहीं, कानून जीता, उनको सलाम पेश करता हूँ। कल 3 बजे कल लाल हवेली के बाहर अपने लोगों से खिताब करूंगा। सबका शुक्रिया, मीडिया का, खास तौर पर मीडिया ने मेरे जैसे इंसान का साथ दिया। सारा मीडिया, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। सबका शुक्रिया। कल 3:05 पर लाल हवेली के बाहर खिताब करूंगा।